फ्रेंड्स, वेलकम टू रारास किचन। आज का रेसिपी है अनार और आलू के पकोड़े कैसे बनाना। आज हम देखेंगे, पहले मैंने 6 आलू ली, इसको बॉईल करके रखी हूँ। अब इसको मैश करेंगे। अच्छे से मैश कर ली। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा कप अनार, एक कप हरा धनिया, एक स्पून हरी मिर्च की पेस्ट, एक स्पून चाट मसाला, एक स्पून जीरा पाउडर, आधा स्पून लाल मिर्च पाउडर। आपको जितना स्पाइसी चाहिए आप उतना डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अच्छे से मिला ली मैंने इसको। अब इसको हम एक साइड में लेंगे। एक कप बेसन, थोड़ा सा नमक, इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। इसका गाढ़ी पेस्ट चाहिए हमको। ये देखिए, थोड़ा सा गाढ़ा पेस्ट बनना है। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। देखिए, अच्छे से पेस्ट बना ली मैंने। अब इसको एक साइड में लेंगे। जो आलू का है अब हम छोटे छोटे बॉल्स बना के रख लेंगे और सारे ऐसे बना के हम रख लेंगे। मैंने सारे बॉल्स बना के रख ली। अब इसको हम एक एक करके बेसन की इसमें डाल के ऑयल में छोड़ेंगे। इसको ऐसे सारे करके हम एक एक करके और अब इसको चलाते हुए हम ब्राउन होने तक इसको फ्राई कर लेंगे। एकदम टेस्टी रहता है और बारिश में ऐसे बना के खाइए। देखिए, ये बन के तैयार है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे, गैस ऑफ कर लेंगे। आलू और अनार के पकोड़े एकदम टेस्टी एंड यम्मी है ये। और कुछ डिफरेंट टाइप पे बनाई मैंने इसको। और एक देखिए, मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, इसको बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपको और ये यम्मी भी है, बारिश में अच्छा भी लगेगा और टेस्टी भी है। आप खाइए, आपकी फैमिली को भी खिलाइए। और मेरे वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।